नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बारातियों से भरी बेकाबू बस, प्रकाशम जिले की सागर नहर में जा गिरी, 7 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंगलवार 11 जुलाई की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां बारातियों से भरी एक बस दर्शी के पास सागर नहर में गिरी। इस हादसे में 7 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त का हुआ जब शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाराती पोडीली के काकीनाड़ा बस ले जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। यह हादसा प्रकाशम जिले के दारसी थाना क्षेत्र में हुआ है। समाचार एजेंसी के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस 40 से अधिक बारातियों को लेकर किकनड़ा जा रही थी। इस दौरान बस अचानक बेकाबू हो गई और दारसी के पास सागर नहर में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और नहर में गिरे बारातियों को बाहर निकाला। इस हादसे में पुष्टि करते हुए दारसी सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण ने बताया कि 7 साल के बच्चे के साथ 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 15 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज दारसी और ओगोल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि काकीनाड़ा शहर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए बस किराए पर ली गई थी। हालांकि यह हादसे कैसे और किस वजह से हुआ, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ने इस चालक को झपकी आने की आशंका जताई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डाल पिल्ले को बचाया। उत्तर भारत के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। लगातार हो रही बरसात कई हिस्सों में आफत बनकर टूटी है। बारिश और भूस्खलन से जुड़ी कई घटनाएं हुई है। इस बीच राहत और बचाव अभियान भी जारी है। चंडीगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खड्डा लाहौरा पुल के नीचे फंसे पिल्ले को सुरक्षित बचा लिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। SSPUT चंडीगढ़ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो ट्वीट किया गया है। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा गया है, चंडीगढ़ पुलिस टीम की सहायता से अग्निशमन विभाग ने यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। पानी के तेज प्रवाह के बीच खड्डा लाहौर पुल के नीचे फंसे पिल्ले का सुरक्षित बचाव कार्य किया गया। इस टीम को धन्यवाद। लोगों ने कमेंट करके इस प्रयास की काफी सराहना की है। यूजर्स का कहना है कि इस कोशिश से मानवता की झलक मिलती है, यह वाकई सराहनीय काम है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बच्चे को ले जा रही महिला की शख्स ने सड़क पर की पिटाई। पालघर के वसई इलाके में एक शख्स मामूली बात पर महिला की पिटाई करता हुआ CCTV फुटेज में कैद हो गया। महिला को पीटते हुए वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि हस्तक्षेप किया, फिर बाद में शख्स के खिलाफ जवानी कार्रवाई की। इस घटना का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला बच्चे को गोद में लेकर जा रही है और उसके साथ चल रहा शख्स उसके साथ बहस करने लगता है। बहस करते करते शख्स महिला को पीटने लगता है। इस घटना को देख आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बीच बचाव कार्य करने की कोशिश करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीआर डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnst.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीम पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।